फिर से गहनों की चोरी करेगा तोशु और फंसाएगा सागर को। हाय एवरीवन, मैं हूँ अभिलाषा। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग ट्रैक में आप देखने वाले हैं कि बापूजी बहुत सारा गहना लेकर अनुपमा के पास आते हैं और कहते हैं कि इसे संभाल कर रख दो। इस पर अनुपमा कहती है कि नहीं, मैं कहाँ रख सकती हूँ, मेरे पास आलमीरा नहीं है और ना ही कोई ऐसा लॉकर है, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकती हूँ। इस पर बापूजी कहते हैं प्लीज इसे संभाल कर रख दो, तुम कहीं ना कहीं तो रख ही दोगी, ऐसी जगह रख दो जिसमें ताला लगा हुआ हो। इस पर अनुपमा ले लेती है और ये सारी बातें तोशु सुन रहा होता है। जब अनुपमा उन गहनों को लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही होती है तो तोशु अनुपमा का पीछा करता है और वो चुपके से देख लेता है कि अनुपमा ने उन गहनों को कहां पर रखा है। उसके बाद वो वापस आकर अपने काम में लग जाता है। दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जब तोशु अनुपमा के कमरे में घुसकर अनुपमा के जो पैसे हैं जो उसने केटरिंग से कमाए हैं वो, प्लस बापूजी ने जो अनुपमा को रखने के लिए गहने दिए थे, वो सारा कुछ चोरी कर वहां से निकलने वाला होगा। लेकिन तभी सागर और मीनू तोशु को ऐसा करते हुए देख लेते हैं और वो कमरे में आकर उससे पूछते हैं कि तोशु भाई, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इससे पहले कि तोशु की चोरी पकड़ी जाए, वो उल्टा सागर को ही इस केस में फंसा देता है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि अमेरिका में भी तोशु ने एक ज्वेलरी की चोरी की थी और उस बार उसने अपनी माँ को फंसाया था और अब वो खुद चोरी कर रहा है और फंसा रहा है सागर को। ऐसे में क्या लगता है आपको कि क्या वाकई में अनुपमा अपने बेटे तोशु की बातों में आकर सागर को चोर समझ लेगी, या फिर अनुपमा पुराना इंसिडेंट याद करके उसे समझ में आ जाएगा कि ये सारा कुछ किया धरा किसी और का नहीं बल्कि तोशु का ही है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसके आगे का अपडेट जानने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।